स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग जियोस चैप्टर सेकेंड, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एंड इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन। तो अपने को सोइल फॉर्मेशन के जो दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन टूडे। तो फर्स्ट इज़ डिफोरेस्ट्रेशन एंड सेकेंड इज़ एक्सेस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अपने जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस वजह से भी जो अपने लैंड डिग्रेडेशन होता है, इसमें लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जो लैंड भूमि का पतन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लैंड कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। तो अपने जो लैंड है उसे एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्यों कहा गया है? तो इसमें है लैंड इज कंसीडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज एज क्योंकि इट प्रोवाइड्स हैबिटेशन टू ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्योंकि जो लैंड है वो एक वाइड वैरायटी प्रोवाइड करती है किसे? फ्लोरा एंड फौना को। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं कि जो भी अपने वाइल्ड वेजिटेशन होती है या वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको हैबिटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर वेरियस पर्पस। इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी अपने वेरियस पर्पस के लिए लैंड का यूज़ करते हैं, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग एंड रोड्स एंड सेटअप इंडस्ट्रीज। तो इसके अलावा जो भी उनके लिए सूटेबल वर्क होता है या उनकी नीड्स होती है उसके लिए वो लैंड का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या दो स्टेप लिए हैं या क्या काम किया है। तो इसमें बताया गया है फर्स्ट हैज सेट अप द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर प्रोटेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट ने जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, उनको सेटअप किया है किनके लिए? जो वाइल्ड लाइफ हैं या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? द काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। एंड सेकेंड पॉइंट इज हैज़ बैंड द किलिंग ऑफ लॉयंस, टाइगर्स, डियर एंड पिकॉक्स। तो जो भी अपने लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, इनको मारते हैं तो इस पर भी बैन लगाया गया। अगर कोई शिकार करता है तो वो भी एक क्राइम है। इट हैज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड द ट्रेड ऑफ द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोटेक्टेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइट्स। तो इसके अलावा जो भी अगर इनको कोई बेचता है या इनका बिजनेस करता है तो वो भी एक प्रोहिबिटेड है या इसको भी गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट थ्री वेज टू कंजर्व वाटर। तो इसमें वाटर कंजर्व करने के मेथड पूछे हैं। तो इसमें फर्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसमें जो बारिश का पानी होता है उसको अपने इकट्ठा कर सकते हैं। सेकेंड इज लाइनिंग इरिगेशन कैनल टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर। एंड सेकेंड इज अपने लाइनिंग इरिगेशन है उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग एफोरेस्ट्रेशन। मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करके या अपने फॉरेस्ट को प्रमोट करके अपने ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट है गिव रीजंस। तो गिव रीजंस में फर्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। तो इसमें अपने को रीज़न बताना है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है इंडिया में वो एरिया इतना ओवर पॉपुलेटेड क्यों है। तो इसमें आगे आंसर है प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो जो प्लेन्स और रिवर वैलीज होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड है वो प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग। तो जो पर पर्सन इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है, तो इसका अपने को
रीज़न बताना है। तो इसमें आगे बताया गया है ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ वाटर, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एंड द पॉपुलेशन एंड डिप्लेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्व्स। तो अपने जो फ्रेश वाटर है वो उसकी कमी की वजह से ही अपने क्या है कि जो पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी में कमी आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये अपने क्वेश्चन आंसर्स थे। इसके अलावा अपना भी बुक वर्क रह गया है, वो अपने बाद में करेंगे। इतने आप ये सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर लीजिए।